संवेदना की बीमारी से ग्रसित 10 फीसदी मरीज इसका इलाज कराने एम्स जैसे अस्पतालों में पहुंचते हैं। वहीं समाज में फैले मिथक के चलते इस बीमारी को देश के कई हिस्सों में सामाजिक कलंक के तौर पर भी देखा जाता है। इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए एक सामाजिक उद्देश्य के साथ विटिलिगो फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी VFI लगातार कई कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत इस रोग के इलाज में शामिल डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं के माध्यम से VFI लोगों को जागरूक करने का करता है काम। 30 जून को VFI ने दिल्ली के नेहरू प्लेस में हीरोज होटल में कार्यशाला का आयोजन किया, जहां लोगों को मुफ्त परामर्श दिया गया और इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला भी आयोजित की गई। टॉप कमांडर की हत्या से बौखला हिजबुल्ला, इसराइल पर दागे 200 से ज्यादा रॉकेट। हिजबुल्ला ने लेबनान सीमा पर इजरायली ठिकानों पर किए जोरदार हमले। हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेट दागे जाने के बाद उत्तरी इसराइल की पहाड़ी पर लगी आग, हजारों हेक्टेयर भूमि को किया गया नष्ट। हिजबुल्ला के हमले के बाद इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर किया हमला। IDF के लड़ाकू विमानों ने रात भर की जमकर गोलीबारी। बलाट क्षेत्र में 3 आतंकवादी, बुनियादी ढांचे किए गए तबाह। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। इसराइल हमास संघर्ष में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38,000 से ज्यादा हुई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए मौत के आंकड़े। खान यूनिस के पूर्वी इलाके से विस्थापित परिवारों को पहुंचाई गई राहत सामग्री। युद्ध विराम समझौते पर दबाव बढ़ने पर हवाई सहायता पहुंचाई गई। अमेरिका में क्वीवलैंड के एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हिजबुल्ला की तरफ से दागे गए रॉकेट पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दी अपनी प्रतिक्रिया और कहा कि जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तजाकिस्तान की 5 दिवसीय यात्रा पर दुशांबे पहुंचे। SCO समिट 2024 में लेंगे हिस्सा। इटली के बेनेवेंटो शहर में भाई की गला रेतकर हत्या। आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। जमैका में आए बेरिल तूफान ने मचा कहर। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर। 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।